हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रद्धा मामुनकर, फैकल्टी फॉर पर्सनल ट्यूटर। आज हम मैथ्स का अलजेब्रा का फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले, दैट इज फिनेंशियल प्लानिंग। अब फिनेंशियल प्लानिंग में हम लोग टैक्स के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। अब ये टैक्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ GST के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दी GST। ये GST क्या होता है, उसमें क्या सब डिवाइडेड टॉपिक्स होते हैं, वो कैसे इमर्ज हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दी 4.1 एक्सरसाइज, विल स्टडी अबाउट दी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 4.1। हम लोग को क्या क्या ज़रूरत होने वाली है 4.1 में। सो सबसे पहले GST, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GST? दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ। बिफोर GST हम लोग अलग अलग टैक्सेस पे करते थे, जैसे ऑक्ट्राई ड्यूटी पे करना, VAT पे करना, एक्साइज ड्यूटी को पे करना, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे अलग अलग टैक्सेस हम लोग पे करते थे। लेकिन अब ये सारे टैक्सेस को कंपाइल करके एक सिंगल टैक्स बना, दैट इज़ वॉट GST, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है, उन सब को इंक्लूडेडली यहाँ पे हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है। ओके? अब GST को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ CGST एंड SGST। CGST मतलब क्या, ये जो दोनों भी है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही है, लेकिन जो टैक्स की वैल्यू है, जो CGST है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, और जब स्टेट की बात आती है तो जो टैक्स की अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन टैक्स की वैल्यू जो है वो सेंट्रल में जाती है, और यहाँ पे कहाँ पे जाती है, स्टेट में जाती है। ये जो दोनों वैल्यूज है, CGST इज इक्वल टू SGST, मतलब जितनी वैल्यू CGST भरनी है उतनी ही वैल्यू SGST की है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इक्वल टैक्स भरना पड़ता है। ओके? नेक्स्ट पॉइंट इज GSTN। GSTN मतलब क्या, GST का आइडेंटिफिकेशन नंबर। GST जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए एक हम लोग को यूनिक नंबर मिलता है, दैट इज़ व्हाट GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जो भी टैक्स भरते हैं, सो उनके लिए ये GST नंबर यूजफुल होता है। अब ये GST आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो कैसे फॉर्म होता है, सो बेसिकली दिस इज़ द प्रोफॉर्मा। यहाँ पे सपोज ये नंबर दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अब उसको सेग्रीगेट कैसे किया है, लेट्स चेक आउट 27, ये जो फर्स्ट नंबर है वो 2 डिजिट फॉर द स्टेट कोड। जो भी मेरा स्टेट रहेगा, उसका जो भी कोड रहेगा, वो फर्स्ट 2 डिजिट मेरा स्टेट का कोड एक्सप्लेन करेगा। ओके? बाकी ये जो पार्ट है, दैट इज़ व्हाट 10 डिजिट पैन ऑफ द फर्म। अब फर्म GST नंबर लगाएगी, टैक्स जनरली वही भरेंगे, सो बेसिकली कंपनी का जो पैन कार्ड होता है, उस पैन कार्ड के 10 डिजिट नंबर जो होते, फर्म का पैन कार्ड जो होता है। अब प्रोप्राइटरी फर्म रहेगी तो फिर उसका पर्सनल पैन कार्ड ही यूज़ होगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई पब्लिक कंपनी होगी या फिर अलग से प्राइवेट कंपनी फॉर्म हुई रहेगी पार्टनरशिप की, तो उस कंपनी का जो पैन कार्ड होता है, उस पैन कार्ड के 10 डिजिट नंबर्स यहाँ पे लिए जाते हैं। लेट्स मूव टू द फर्दर, दिस वन नंबर, वन नंबर इज इंडिकेट, दैट इज वन रिप्रेजेंट वन रजिस्ट्रेशन। ये जो नंबर है, सो जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बढ़ते हैं उस तरीके से वो नंबर चेंज होता है। सपोज हम लोग ने फर्स्ट रजिस्टर किया तो फर्स्ट नंबर आएगा, सेकेंड टाइम किया तो सेकेंड रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। सो जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा बढ़ता है। नेक्स्ट इज दिस Z. Z इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट, मतलब कोई भी आप GST आइडेंटिफिकेशन नंबर लेते हो तो ये Z कंपलसरी वहाँ पे होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, सब यहाँ पे Z ही मेंशन होगा। नेक्स्ट इज 6 डिजिट नंबर, दैट इज द चेक सम डिजिट, गिव द वैलिडिटी ऑफ GST व्हेन द एंटर्ड ऑन द GST पोर्टल। आप अगर GST पोर्टल में जाओगे तो GST पोर्टल में अगर ये नंबर हम लोग ने मेंशन नहीं किया तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। सो बेसिकली ये जो नंबर है वो मुझे वेरिफिकेशन के लिए, मतलब मैं GST पोर्टल में जाती हूँ तो मेरी GST की वैलिडिटी ये नंबर देता है, अदरवाइज
ये नंबर नहीं, तो मेरे जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर को कोई भी वैलिडिटी नहीं होती है. लास्ट टॉपिक इज दैट इज HSA, दैट इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. सो इट इज नोटेड इन टैक्स इनवॉइस. ये एक पर्टिकुलर नंबर होता है, हर गुड्स और सर्विसेज को एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है. सो दिस इज अ नंबर विच इज इंक्लूडेड इन टैक्स इनवॉइस. व्हेन वी प्रिपेयर अ टैक्स इनवॉइस, सो उसमें ये हम HSA नंबर, GST नंबर, SGST, CGST, ये सारे पॉइंट्स को उस पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस में हम लोग मेंशन करते हैं. सो दिस इज माई इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ 4.1. ये सारे जो टॉपिक्स है ये हमें एक्सरसाइज 4.1 में यूज होने वाले हैं, तो इसे अच्छे से समझ लेना. ओके.